स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बोर्ड के ऊपर लिखा है बिफोर गोइंग टू प्रोग्रामिंग सी कॉमा सी प्लस प्लस कॉमा जावा और यहाँ पर डॉट डॉट मीन्स एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर जाने से पहले कुछ कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट आगे हेल्पफुल हो। अब जैसे इसके अंदर पहला कंसेप्ट हमको देखना है वो है डेटा का। डेटा क्या होती है? रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल्स मीन्स फॉर एग्जांपल ये आप रूम देख रहे हैं, इस रूम के अंदर कौन कौन से मटेरियल से रॉ मटेरियल से मिलकर ये रूम बना है। तो इसके अंदर सबसे पहले सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन और वाट एवर। तो ये रॉ मटेरियल पर जब किसी ने प्रोसेस किया तो वो क्या बना आपका, ये कंप्लीट रूम बन गया। तो ऐसी दुनिया की कोई भी चीज़ आप, उसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल होंगे, उस पर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद वो आपका एक पूरा कंस्ट्रक्शन या वो थिंग जो आप बनाना चाहते हो वो आपको नजर आएगी। तो इसी तरह डेटा, इस पर हम प्रोसेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारी इंफॉर्मेशन। तो आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं वो किस लिए सीख रहे हैं? डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। ये आपके प्रोग्रामिंग का बेसिक कंसेप्ट और सबसे मेन कंसेप्ट होता है। जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो कंप्यूटर यूज कर किस लिए करते हैं? क्योंकि उस पर फास्टली वर्क होता है, डेटा प्रोसेस होता है और जितने स्पीड से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते उससे कहीं ज्यादा स्पीड से आपका कंप्यूटर आपके डेटा पर प्रोसेस करता है। तो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर भी क्या यूज करता है? प्रोग्राम्स यूज करता है। तो ये जो डेटा है, ये रॉ मटेरियल है, उस पर हम प्रोसेस करेंगे और उसको इंफॉर्मेशन में चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट आप कंसेप्ट समझिए, क्योंकि आपके प्रोग्रामिंग का जो सबसे मेन फोकस जिस पर होता है वो डेटा के ऊपर होता है। अब उसके बाद इस पर प्रोसेस करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद नंबर ऑफ प्रोग्राम का बंच मींस एक से ज्यादा प्रोग्राम का क्या बनता है आपका? हमें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और ये कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर देखते हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, ये ध्यान में रखिए। और प्रोग्राम क्यों बना? डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और नंबर ऑफ प्रोग्राम का बंच क्या कहलाता है आपका? सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कभी आपको ऐसा होगा कि कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। बेसिक कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज आपके दिमाग में, ब्रेन में ना आए, तो उस वक्त आप जस्ट उस थिंग को एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप आगे प्रोसेस करेंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको वो चीज क्लियर होते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग क्लास लेते हैं, तो जब आपके पास कोई स्टूडेंट ड्राइविंग सीखने के लिए आता है तो आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई फर्स्ट क्या करो, जो आपकी व्हीकल है उसको न्यूट्रल करो, फिर आप उसका क्लच प्रेस करो, गियर डालो और उसके बाद जाके एक्सीलेटर को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ो। अगर उसी वक्त आपको वो स्टूडेंट की पूछ ले कि सर ये कैसे वर्क कर रहा है इंटरनली, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे कि भाई फर्स्ट आप गाड़ी चलाना सीख लो, हम जो बोल रहे हैं वो कंसेप्ट आप पहले एक्सेप्ट कर लो। जब आप धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीखेंगे तो ये आपकी जब प्रैक्टिस होते रहेगी तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा। और बाद में सारी चीजें फाइनल पर जब आप ड्राइविंग में मास्टर हो जाओगे तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग की दुनिया में अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है
तो आप जस्ट उस कंसेप्ट को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वो कंसेप्ट आपका क्लियर होता रहेगा। अगर पहले ही आप उस कंसेप्ट को लेकर के बैठ जाएंगे कि ये कंसेप्ट कैसे है, हमको पूरा एक ही जगह पर ये कंसेप्ट समझाओ। एक मैं और दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप डॉक्टर हैं और कोई बच्चा आपके पास आता है कि सर मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनना है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि भाई आप पहले जो है फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लो, फिर आप सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा करते करते आप साइंस के कंसेप्ट आगे समझो, ट्वेल्थ क्लास पास करो, पीएमटी पीईटी के एग्जाम दो और उसके बाद जाकर आप जो है एमबीबीएस है या और जो डॉक्टरी के अदर कोर्सेज है उसमें एडमिशन, उसके बाद जाके आप डॉक्टर बनोगे। अगर शुरू दिन से ही बच्चा बोले कि नहीं सर मैं आपके साथ रहता हूँ और मुझे भी आपके साथ डॉक्टर बना दो, तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? तो इसी तरह प्रोग्रामिंग की दुनिया में अगर कोई कंसेप्ट आपके समझ में नहीं आता तो जस्ट आप उस कंसेप्ट को एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे वो कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, तो जैसे जैसे आप फर्दर आगे बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग की दुनिया में आपका वो कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। सेकंड लास्ट थिंग जो है कि भाई आप प्रोग्रामिंग जितना आप प्रोग्रामिंग परफॉर्म करके देखेंगे पेपर वर्क के ऊपर, जो प्रोग्राम आपने सीखा कंप्यूटर परफॉर्म करके देखा उसको आप बार बार पेपर वर्क पे घसीए, बार बार उसको लिख कर देखिए, तो जैसे जैसे आप उस प्रोग्राम को आगे लिख कर देखेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब तक वो प्रोग्राम आपका पूरी तरह जहन में नहीं बैठ जाता तब तक क्या आप उसको घसीए उस प्रोग्राम को एक दिन में दो बार, तीन बार, चार बार, जितना आपसे अच्छे से पॉसिबल हो सके। तो जब आप अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये प्रोग्राम की कंसेप्ट आपके ऑटोमेटिकली जहन में रहेंगे और उसको आपको फिर से बैक साइड पर पेज पलटाकर देखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या प्रोग्राम लिखते वक्त आप अपना गोल डिसाइड कीजिए और जितने कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उस कंसेप्ट का यूज करके उस गोल के पास तक, उस मकसद के पास तक आप शॉर्टकट में कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्कूल है, इस स्कूल को पहुंचने के आपके चारों तरफ से रास्ते हैं, ये हमारी स्कूल है, आप इसमें इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी, इधर से। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर स्टैंड कर रहा हूं और मैं ऐसे घूमकर इधर आता हूं तो ऑब्वियसली मैं स्कूल में आऊंगा, लेकिन मैं ऐसे भी तो आ सकता हूं शॉर्टकट से। तो नियर बाय का रास्ता कौन सा है प्रोग्राम करते वक्त में, ये अगर आपके डिसीशन पावर और लॉजिकल पावर अगर जनरेट हो गई तो फिर प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप बहुत जल्द मास्टर बन जाओगे। और अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सका, आप अपना गोल डिसाइड नहीं कर सके, तो फिर आपको प्रोग्रामिंग की दुनिया में तो आप आ जाएंगे लेकिन जो मास्टरी है वो आपको बहुत देर के बाद मिलेगी। तो ये जो बेसिक थिंग्स मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग की दुनिया में जाने से पहले आप ध्यान में रखिए ताकि आपको फिर प्रोग्राम सीखने में आसानी हो।